CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है जमात 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सच की जीत। एक बादशाह था, उसे शेरो शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। बादशाह सलामत, आपके लिए खास तौर पर यह नजराना आपके हुजूर में पेशे खिदमत है। जी जी बादशाह सलामत, शायरी लिखने बैठता हूँ तो बस आप ही का ख्याल दिलो दिमाग में होता है। अब जब शायरी नहीं लिख रहा होता हूँ तब भी आप मेरे दिलो दिमाग में, मेरी रूह में, मेरे रोम रोम में समाये होते हैं बादशाह सलामत। उन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता था। उसका नाम फिरोज था। बादशाह ने बहुत जल्द उन शायरों को पहचान लिया कि कौन कैसा है। एक दिन उसने सबको दरबार में बुलाया। बादशाह सलामत ने दरबार में बुलाया, पता नहीं क्या होगा। बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब शेर कहे और बादशाह की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा उसे ही इनाम में मिलेगा। उसके बाद बादशाह ने एक दिन सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज्म सुनाई। अर्ज किया है, दम लबों पर था दिले नार के घबराने से, आ गई है जा में जा, बादशाह सलामत आप क्या जाने। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम दिया। वो सलाम करके खुश होकर बैठ गया। उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज्म सुनाई। पेशे खिदमत है, दर्द को दिल में जगह दीजिए बादशाह सलामत, इल्म से शायरी नहीं होती। दरबारियों ने उसकी भी तारीफ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया। इसी तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई और हीरा इनाम में लेकर खुशी खुशी बैठ गए। फिरोज अपनी जगह बैठा रहा, उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने कुछ नाराज होकर कहा, तुमने क्या लिखा है सुनाओ। फिरोज ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो सुनाऊं। बादशाह ने फौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी गई, सुनाओ। फिरोज ने कहा, ऐ बादशाह, तू आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है। इस तरह उसने बादशाह की बहुत सी कमजोरियां गिना दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब इस शायर की खैर नहीं, जरूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज्म सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज को भी एक हीरा इनाम में दिया। दरबार खत्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। फिरोज को भी अपने साथ ले गए। चलो चलो जौहरी के पास देखते हैं कि इन हीरों की क्या कीमत, कीमत लगवाएंगे, इससे पता लग जाएगा। बिल्कुल चलो फिर छज्जू जौहरी के यहां चलें। छज्जू जौहरी के यहां चलते हैं। चलो। जौहरी ने हीरों को देखकर बताया कि सबके हीरे झूठे हैं। ये तो पत्थर है, पत्थर कहां से लिया है। सिर्फ फिरोज का हीरा सच्चा है।
सुनो सुनो, रुको रुको, ए मियां फिरोज, शाहर साहब, आप ही का हीरा असली है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन खुश और कौन रंजीदा है? शायरों ने शिकायत की कि फिरोज के हीरे के सिवा सारे हीरे झूठे हैं। बादशाह सलामत, हम सबके हीरे तो नकली हैं, केवल फिरोज का हीरा असली निकला। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला, और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का ये जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए। लव्स और मानी, मुकर्रर करना, तय करना, हसद, जलन, नीचा दिखाना, जलील करना, खुशामदी, ऐसा शख्स जो किसी को खुश करने के लिए उसकी झूठी या सच्ची तारीफ या बड़ाई बयान करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सच की जीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, कलाकार शमाइला परवेज और परवेज गौहर, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग अमित कुमार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800044559। आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।